आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया है कि श्री राम इतिहास हैं या साहित्य। वास्तव में वे हुए थे या फिर वे ऋषियों द्वारा गढ़ी गई एक है कहानी, कथा, साहित्य। आपके भी मन में इस तरह के सवाल होते होंगे। आइए इस पर आज मंथन करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं। और हाँ भाई, आप भी अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाएंगे। ओके, देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के थे पीएम, राम सेतु के मुद्दे पर सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि राम और राम सेतु ये सभी हैं काल्पनिक, रामायण शुद्ध साहित्य है, ये थे ही नहीं कभी। लेकिन हम भारतीय लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हम लोग मिलने और बिछुड़ने, यहाँ तक कि अंतिम विदाई जब होती है शरीर की, उस समय भी राम नाम का उपयोग करते हैं। राम शब्द के बिना हमारा काम चलता ही नहीं। हम लोग तो नमक तक को राम रस बोलते हैं। दोस्तों, यह एक मंथन का विषय है। हमारे देश में दो तरह के देवता होते हैं, एक ऐतिहासिक देवता, दूसरे होते हैं जो कि होते हैं तात्विक देवता, यानी कि गुण, तत्व, ऊर्जा के रूप में हम जिन्हें मानते हैं, जानते हैं। जैसे ऐतिहासिक देवता वे हैं जिन्होंने जन्म लिया था मानव देह में, जैसे कि श्री राम, हनुमान जी, वेद व्यास जी, महावीर, बुद्ध आदि, शंकराचार्य वगैरह, ये सभी ऐतिहासिक देवता हैं, ये हुए थे मानव शरीर में हुए थे। दूसरे प्रकार के होते हैं देवता जो हैं विश्वव्यापी, ब्रह्मांड व्यापी गुण, तत्व, ऊर्जा के रूप में, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, शारदा, दुर्गा, लक्ष्मी वगैरह वगैरह। ये सभी है तात्विक देवता और इनकी जो कथाएं पढ़ते हैं वे निश्चित रूप से साहित्य हैं। और जिन्हें ऋषियों ने समाज को ज्ञान देने के लिए, आध्यात्मिक रहस्यों को सरलता और सरसता के साथ समझाने के लिए लिखे थे, और ध्यान रहे कि ये जो कहानियां हैं वे हैं भले ही काल्पनिक, लेकिन ये देवी देवता नहीं है काल्पनिक, ये यथार्थ हैं। यहां इस बात को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। दोस्तों, हम अब आते हैं रामायण पर। रामायण में ज्योतिषीय आधार पर और ग्रहों की स्थिति आदि के आधार पर श्री राम के जन्म वगैरह की एक डेट निकाली गई है आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा। वो आप लोग ध्यान से सुने और इसे याद रखेंगे। अभी आधुनिक विज्ञान के शोध जांच के बाद यह पता चला है, और यह भी मैं आपको समझा दूं कि शोध जांच का आधार है वाल्मीकि रामायण, जिसमें राम जी के जन्म समय की जो ग्रहों की स्थिति थी, जो ज्योतिषीय बातें लिखी गई हैं, उन आधारों पर श्री राम जी का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका वनगमन 4 जनवरी 5089
वर्ष ईसा पूर्व खर दूषण वध 7 अक्टूबर 5077 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। श्री हनुमान जी का माता सीता से लंका में भेंट 12 सितंबर 5076 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, इसमें संशय नहीं है कि श्री राम ऐतिहासिक देवता हैं और उनका मानव शरीर में हुआ था जन्म। हाँ, जो रामायण है, रामायण जो अभी वर्तमान में दिखता है, हम लोगों के सामने उपलब्ध है, वह इतिहास नहीं है। तो क्या है? हाँ, इतिहास और साहित्य का वह है सम्मिश्रण। इसका वजह क्या हुआ? इसका वजह हुआ ये कि आप सोचिए कि राम जी हुए आज से 7200 साल पहले, और 7200 सालों में हमारी मानवीय सभ्यता बहुत बार बसी और उजड़ी। आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह के संबंध में सुना पढ़ा है, और इस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं जन्म लेती थीं, विकसित होती थीं, और बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध, अकाल वगैरह के कारण से ध्वस्त हो जाती थीं, अवनति को हो जाती थीं वे प्राप्त। और यही वजह है कि तो श्री राम जी से संबंधित जो रामायण है वह उस समय का लिखित रामायण ये नहीं है, बाद में लिखा गया है। और जो रहा था तब का रामायण वह नष्ट हो चुका है, और बाद के ऋषियों ने रामायण में जोड़ी, उसमें अपनी कल्पना, अपनी सोच, यह स्वाभाविक होता है। लेखक जब लिखता है, चाहे जो भी लिखे, और सुनी हुई बातों को जब वह अपने ढंग से लिखेगा तो फिर जुड़ ही जाएंगे वैसे प्रसंग, वैसी बातें जो कि उन्हें अच्छी लगती हैं, जितनी की उनकी योग्यता, क्षमता, पात्रता है, वो सारी बातें उसमें, लेख में, साहित्य में जुड़ेंगी। अभी देखिए मित्रों कि कम से कम 20 प्रकार के रामायण, 20 प्रकार के रामायण हैं विश्व में, और सबकी जो कथाएं हैं, संवाद हैं, सब में ही भेद हैं थोड़े थोड़े। तो राम जी तो हुए थे, लेकिन उनके समय में जो रामायण लिखे गए थे वे सुरक्षित नहीं रह सके, और बाद के ऋषियों ने सुनी हुई बातों के आधार पर लिखी, तो बिल्कुल यथार्थ तो वो हो नहीं सकेगा। मित्रों, अब मैं आपको एक वैसी बातें बता रहा हूं जो कि शायद सुनकर आपको आश्चर्य लगे, घोर आश्चर्य लगे, लेकिन मुझे कहना होगा। देखिए, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन, राम और रावण दोनों को अच्छी तरह से जानता और पहचानता हूं। जो तब राम रावण थे, मेरा दोनों से ही अंतरंग संबंध है, और राम रावण की हकीकत, रामायण की हकीकत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, और धीरे धीरे मैं वीडियो के ही माध्यम से आप तक रामायण की, यथार्थ रामायण की बातें आप तक अवश्य ही पहुंचाता रहूंगा। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और हम 10-20 वीडियो रामायण पर बनाने जा रहे हैं, आप इन्हें देखिए और इनका लाभ उठाइए, यथार्थ रामायण से आप होइए रूबरू। धन्यवाद।